कमालगंज में बीती रात संदिग्ध हालत में तमंचे की गोली से किशोरी की मौत हो गई। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर निवासी अशोक कुमार की 15 वर्षीय रचना की बीती रात सीने में गोली लगने से मौत हो गई। मृतका के पिता अशोक ने बताया कि बीती रात पुत्री रचना लगभग 8 बजे घर से खाना खाकर अपने चाचा राजीव कुमार के घर सोने चली गई थी। राजीव अपनी पत्नी मीरा के साथ ससुराल तिरवा गए थे। राजीव की सास का निधन हो गया था। राजीव के घर पर उनकी पुत्री रचना, राजीव के पुत्र विक्रांत व विक्रम के साथ ही पुत्र वधु भी थी। रात में अचानक तमंचे से गोली किशोरी रचना के सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। रचना की मौत से घर में कोहराम मच गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। दरोगा अनिल कुमार ने शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष अमरपाल ने बताया कि खेल खेल में तमंचा चलने में किशोरी की मौत हुई है। सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। न्यूएस्ट इन द टाउन पंजाबी चाप कॉर्नर, ऑथेंटिक पंजाबी फ्लेवर्स विद 100% वेज क्विजिन। फर्स्ट ईटिंग पॉइंट इन द टाउन फॉर फिटनेस फ्रीक्स। सर्व्स डाइट चाप वैरायटी, स्नैक्स, मेन कोर्स, bread, dessert and beverages are available with wide range of flavors. देखिए अच्छा लगा है, food and fun एक नई दुकान हमारे फरुखाबाद में खुली है। बढ़िया लगा है, जो हम चटपटे के शौकीन हैं, बस चटपटी चीज यहाँ पे मिल रही है, बस यही सब है। This is the great point for family, friends and official meetings. Address: नेकपुर फरुखाबाद। तब अपने रोटी, हमारे मकान है दूर, तब अपने रोटी कर खाई के होना अपने चली जाती है। तो बा वैसे बहु कि खाना पीना खाए के अब आप गई। तो कहाँ पर गई थी? घर अपनी भाभी की थी। अपने भाभी के पास? हाँ। तो बा हुआ, भाभी का क्या नाम उनकी? भाभी का नाम बहू को हम तो जान सुनाए था। अच्छा, भैया का क्या नाम है? भैया का नाम पवन। पवन वहाँ खाना खा पी के उनके घर पहुँच गई थी? हाँ, खाना खा के और होने पहुँच गई। क्या नाम है बेटी का? रचना। रचना। उम्र कितनी है उसकी? 15 साल। 15 साल। तो क्या ये खेलते वक्त हादसा हुआ, क्या कैसे हुआ? हाँ, जो सब खेलते जैसे बच्चन के वो परिगो खेलते खेलते उन्हें ढूंढाने लो हुए धरो धराव हुए, तो बा हुई गई फैर। बिटिया सामने बैठी रहती भाई। क्या चीज़ मिल गई थी जिससे फायर हुआ? फायर साहब जा मतलब हम ना बता सका। फायर होने के बाद फिर क्या हुआ? बिटिया क्या लगो लगो वह सामने ही हती लगो वह आते। कहाँ पर लगी? कहाँ उसके गोली लगी थी? लल्ला कहाँ पर लगी? हम तो देखो ना, हम तो बीमार से संजा सही है अभी। हमने कहीं घूम सके तो गवाही उबाई कर कल। कल दिनांक 3/10/2022 को ग्राम लक्ष्मीपुर में समय लगभग 8 बजे रचना उम्र 15 वर्ष अपने चाचा बबलू के घर गई हुई थी, जहां पर उसके चाचा द्वारा घर में अवैध तमंचा रखा हुआ था। रचना द्वारा खेल खेल के दौरान स्वयं गोली लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतका का शव पंचनामा की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। उसके चाचा बबलू के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमन कहाँ से आए? लखनऊ से। अच्छा, जो शाम को एक कांड हुआ था, जो बिटिया के गोली लगी। हाँ। तो बिटिया का आप कौन है? भाई। भाई है। कैसे लगी थी उसके गोली? वो तो उनके घर पे गई थी ना, तो किन के घर पे? किसके घर पे गई? भाभी के घर। भाभी के घर पे। तो लगी कैसे गोली? गोली तो इतना तो मुझे नहीं पता कैसे लगी कैसे नहीं। गोली कहाँ पर लगी है? गोली यहाँ पर लगी। यहीं पर लगी? हाँ। तुरंत एक्सपायर हो गए थे? नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद हुआ था। तो आप लोग कैसे घटना को मालूम पड़ा कि ये घटना हुई? मतलब हल्ला हुआ तब पता चला। तो आप लोग दौड़ के गए? हाँ, दौड़ के गए। फिर उसके बाद बिटिया को कहाँ ले गए थे? बिटिया को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। जाए पाए निकले, खत्म हो गई। हाँ। पुलिस कब तक पहुंची है आपके पास? पुलिस ऐसे पहुंची कितने बजे? तुरंत ही पहुंच गई समझ लो।